गुड मॉर्निंग सीताराम, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आप सब सोच रहे हो हम आज का ब्लॉग बाहर से क्यों दे रहे और हम कहाँ जा रहे। ठीक है, आप सब मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। हम कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, आप सबके साथ शेयर करूँगी। और कुछ स्पेशल है मेरे लिए, स्पेशल है मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल, अभी सोचिए। तो फिर हम ट्रेन में बैठ गई तो चल रहे, फिर पहुंच भी गई। हम जा रहे मेरे जीवन का कुछ पल, मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहे। हम इतना खुश क्यों है, कहीं तो जा रहे और कुछ करने जा रहे। हमेशा तो हमारा दुख तकलीफ़ आप सबके साथ शेयर किए हूँ और आज सोच रही हूँ कुछ अच्छा मूड शेयर करूँ। और पता है ये लिफ्ट बंद था तो हम लोगों ने दौड़ दौड़ के चल रहे उठ रहे ऊपर। मेरे साथ मेरा भाई भी गया है। ओके, और हम जा रहे हैं आज दीवा। ओके, और ये दीवा स्टेशन है। ठीक है, उतर गई। अब ट्रेन के बैठ के फिर से आना है। तो अभी मैं आ भी गई, दीवा पहुंच गई। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ट्रेन का तो ये दीवा वाली ट्रेन है। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया और मैं रील्स वीडियो बनाई। ओके, पंडित जी हाथ मेरा देखा था मैं चाल में ऐसे, और पीछे से लोग कैसे देख रहे देखो, आगे भी बहुत सारे देखते देखते रहते हैं। बट वो नहीं, हर जगह पे देखते हैं। तो हम मैदान पे लेके चलते टंटना। ये है हमारा न्यू घर का बिल्डिंग, ऑलरेडी तैयार हो रही। और यह स्टार्टिंग एंट्री गेट। ठीक है, ये मेरा भाई भाई अभी बिल्डिंग नया तैयार हो रही। ओके, तो मेरे भाई, मैं, मेरा हस्बैंड, दिशा, तीनों मिलके गई, चारों मिलके गई। और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का रूम, फर्स्ट फ्लोर का। ये जो सामने का देख रहे हो सब तोड़ फोड़ के मैं मेरे हिसाब से बनाऊंगी। ये सेंटर से बाथरूम, एक किचन है और ये है हमारा बेडरूम। मेरे लिए बेडरूम बहुत ही छोटा लगा, लेकिन क्या करें, पूरा बिल्डिंग सात माला तक बिल्डिंग बिक गया है। रूम, एक भी रूम खाली नहीं है। अभी चार माला उठ रहे, तीसरा माला, हाँ तीसरा क्या, चार चौथा माला चल रहे। ठीक है, ये बाहर का लोकेशन आपको दिखा दिया। और अभी जाते हैं ऑफिस पे। ठीक है, और मुझे क्यों पसंद नहीं था बेडरूम, मेरे हिसाब से नहीं मिला, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन क्या करें, दो रूम था, दो रूम में से हमें सिलेक्ट करना पड़ा कौन सा लेना है कौन सा लेना है। तो वही चूज़ किया कुछ ही साल के लिए, चलो बात की बात दिखा जाएगा। और फिर से हमारे बिल्डर के साथ हमारे बातचीत हो रहे, देखते हैं रेट थोड़ा कम किया जाए क्या नहीं। और दिशा तो बीच में टांग हिलाती है। ये मेरा भाई, ये मैं हूँ, मेरी दिशा है और दोपू है। और गांव जाऊंगी तो मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी मम्मी पापा सबके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहे। ओके, और बाद में सब लोगों को पता चल गया मैं टिकटॉकर हूँ तो बोल रहे ठीक है मेरा भी वीडियो बना के डाल देना। हाँ डाल देना। तो जैसे भी है, कुछ बातें चीत हो रही, सारी चीज़ दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे साउंड को कट करना पड़ा, नहीं तो पूरा वॉइस दे देती। ओके, आप सब बताइएगा मेरा रूम कैसा हुआ, क्योंकि अभी कोई भी टाइल्स नहीं लगाया, जस्ट वो रूम खाली था। अभी बारिश का मौसम है, हम लोगों ने कहा बारिश के बाद ही रूम को रेडी किया जाए। अभी जैसे रूम को रेडी ना करें, हम जाते जाते अप्रैल महीने में हम जाएंगे, उससे पहले आप लोग रेडी कर देना।
बारिश का मौसम में और ऊपर भी काम चल रहा है, अगर पानी भी नहीं गिरा तो सही से अगर टाइल्स नहीं बैठे, इसीलिए हम कह रहे हैं और बारिश के बाद ही हमारा रूम रेडी कर देना। और यहाँ पे दोपू चेक साइन कर रही है, दोपू ने चेक साइन कर रही, उसके बाद मैं भी करूँगी, एक नहीं दो दो। तो मैं आपको चेक दिखा भी दिया, देख लीजिए और कितने का, कितने लाख का, ओके कितने का नहीं, कितने लाख का साइन किया वो मैंने ही दिखाया, ठीक है। और उसके बाद मैं भी साइन कर दिया, मुझे भी बोला तुम भी करो, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, ओके। देखो छोटा सा जैसे भी वो अपना अपना होता है, और मैं ये जो ले पाया मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा खुशखबरी है मेरे लिए। इतना साल से तो सासू माँ का ताना सुन रही थी, मेरा घर में रहती है, मेरा घर का खाती है, पहनती है, रहती है, सोती है, ये सब बहुत सुना। तो मैं भी आप सबको चेक साइन करके दिखा दिया, लेकिन उंगली दबा दिया, आप सब देख नहीं पाओगे, ठीक है। और ये भी दे दिया हमें, इसमें भी लिखा है कितना लाख दिया, ओके। और उसके बाद हम घर आने के लिए बाहर ट्रेन पे फिर बैठ गई, और ट्रेन पे बैठे बैठे हम केला खा रहे, सब लोग केला खा रहे, ओके। और बाकी का वीडियो, बाकी का बात जो भी है आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे और वीडियो आते रहेगा, फिर मैं सारे वीडियो में बताते रहूँगी, ओके। चलो बाय, कैसा लगा।